आर बी लाइव गाइज ऑडियो वीडियो एवरी थिंग इज क्लियर प्लीज़ गिव मी कन्फर्मेशन एंड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपके सिलेबस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक कैपिटल बजटिंग जो काफ़ी लोगों का फेवरेट भी है डर भी लगता है वो तो प्यार भी, भी करते हैं तो अमेजिंग सा टॉपिक है सी ए फाइनल तक कंटिन्यूड रहेगा ये ए एफ एम में भी ये टॉपिक मैं आपको सिखाऊंगा तो आपका बेस आपको यहीं पर रेडी करना है चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट सो वेलकम टू अगेन द रिवीजन सेशन फॉर कैपिटल बजटिंग कैपिटल बजटिंग ये वर्ड का इम्पोर्टेंस क्या है ये वर्ड जो है ये प्रोक्योरमेंट साइड आता है या यूटिलाइजेशन साइड आता है पैसा हम ला रहे बिजनेस में या हम पैसा बिजनेस में लगा रहे है? लगा रहे यूटिलाइजेशन साइड यूटिलाइजेशन कितने टाइप के होते दोस्तों एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म एक डे टू डे एक्टिविटी जिसको हम शॉर्ट टर्म बोल सकते हैं वर्किंग कैपिटल और दूसरा आता है लॉन्ग टर्म जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्या यस और नो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ हाउ मेनी मेनली थ्री रीजन पहला रीजन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स इंपॉर्टेंस फर्स्ट रीजन आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज रीजन नंबर वन ये लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन आप जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का फैसला आज लेने वाले हो उससे आने वाले कई साल आपकी कंपनी के बदलने वाले हैं ऑब्वियसली so आपने सोच समझ के फैसला लेना फैसला आज का और जो रिटर्न आएंगे वो काफी सालों तक आएंगे तो इसलिए आज का ये फैसला बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है सोच समझ के लेना चाहिए दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन इिवर्सिबल इन नेचर रिवर्सिबल इन नेचर का मतलब क्या होता है आज जो फैसला ले लिया सो ले लिया खत्म बात उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते आप ये नहीं बोल सकते कि आपने एक मशीन खरीदा है चार छह महीने यूज किया उसके बाद बोल सकते अरे यार बोर मशीन है वापस कर दो अगर आप ऐसे करोगे तो ह्यूज कैपिटल लॉसेस होंगे आपको ऑब्वियसली वो मशीन वो प्लांट वो इक्विपमेंट ओरिजिनल वैल्यू पे थोड़ा ना बिकने वाला है

तो सोच समझ के खर्च करो जनरली आप कोई भी बैलेंस शीट देख लो आपको करंट एसेट्स में और फिक्स में कहा ज्यादा अमाउंट दिखता है है एसेट्स नॉट फॉर ऑल बट यस ठीक तो कैपिटल नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ हमारे लिए तो so, हमने क्या किया कैपिटल एक्सपेंडिचर के फैसलों को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया फिर कि भाई ये इतना इंपॉर्टेंट है तो so, हम भी बहुत केयरफुल रहेंगे एज अ फाइनेंस मैनेजर इनको लेने के लिए और इसीलिए हम क्या करेंगे हम स्पेशल टूल को यूज करेंगे टूल मतलब टेक्निक को यूज करेंगे जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग टेक्निक तो फॉर इवेल्युएशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स फॉर इवैल्यूएशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स फाइनेंस मैनेजर विल यूज कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स विल यूज कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स अब क्या टेक्निक्स यूज होती है कैपिटल बजटिंग बजे कौन से टेक्निक्स है एक्जैक्टली exactly? लिखते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स जिसके अंदर पहला टेक्निक कॉल्ड बैक पीरियड। पहले टेक्निक का नाम क्या है पे बैक पीरियड क्या होता है भाई पे बैक पीरियड पे बैक पीरियड कितने समय में मेरा पैसा मेरे पास वापस आ जाएगा वो बोलते हैं पे बैक पीरियड कोई भी इन्वेस्टमेंट करते वक्त कोई भी इन्वेस्टमेंट करते वक्त एक कॉमन पर्सन को चिंता होती है कि भाई जो मैं ये बिजनेस ये प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा हूं मेरा ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट मुझे कब तक वापस मिले? तो नो डाउट इंपॉर्टेंट है बट उससे पहले मेन प्रिंसिपल अमाउंट तो देखेंगे ना वो जितने जल्दी मिल जाएगा उतना सेफ लगता है करेक्ट तो फिर ऐसे केस में पे पीरियड निकालना है और उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसका पे पीरियड कम हो पे बैक पीरियड निकालने के लिए एक्चुअली प्रोजेक्ट को हम डिवाइड करेंगे दो तरीकों में या तो आपका प्रोजेक्ट होगा डिविजिबल या तो होगा इनडिविजिबल इनडिविजिबलो so, क्या होगा डिविजिबल या होगा इनडिविजिबल तो so, यहां पर सबसे पहले में ए पार्ट सॉरी डिविजिबल इनडिविजिबल नहीं ध्यान उधर गया इवन कैश फ्लो प्रोजेक्ट एंड इवन कैश फ्लो प्रोजेक्ट एम सो सॉरी आर तो अन इवन कैश फ्लो ठीक है तो इवन कैश फ्लो प्रोजेक्ट अन ईवन कैश फ्लो प्रोजेक्ट यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले इवन कैश फ्लो प्रोजेक्ट एग्जाम्पल लेकर सब जगह समझेंगे प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखेंगे सभी मेथड्स को एग्जाम्पल इनिशियल इन्वेस्टमेंट रुपीज फाइव लैख एन्युअल कैश फ्लो रुपीज टू लैख फिफ्टी थाउजेंड फॉर फोर इयर्स, एन्युअल कैश फ्लो फॉर रुपीज टू लैख फिफ्टी थाउजेंड फॉर फोर इयर्स, बताइए मेरा पे बैक पीरियड कितना है टू ऑफ यू कैसे आया इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरा फाइव uh, लैख था लैख था और हर साल का कैश फ्लो मेरा टू लैख फिफ्टी था तो मेरा कितने सालों में रिकवर हो रहा है दो सालों में रिकवर हो रहा है इस के साथ का आंसर कैसे आएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो करना पड़ेगा फाइव लैख को डिवाइडेड बाय टू लैख फिफ्टी करना पड़ेगा तो हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है पे बैक पीरियड का इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो राइट देर पे बैक पीरियड इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एन्युअल कैश फ्लो तो अपने एग्जांपल में फाइव लाख डिवाइडेड बाय टू लैख फिफ्टी विच कम्स टू एकदम क्लियर है अच्छा मुझे फॉर्मूला याद नहीं है मुझे एग्जाम्पल के थ्रू याद हो जाता है वो आपको भी वही करना है दोस्तों कोई भी एग्जाम्पल लो मन का सपोज इन्वेस्टमेंट था आपका दस लाख एनुअल कैश फ्लो आपको मिल रहा है सपोज चार लाख कितने सालों में पैसा वापस आएगा टू पॉइंट फाइव इन टू पॉइंट फाइव का आंसर कैसे आएगा टेन लाख को डिवाइडेड बाय फोर लैख्स करना पड़ेगा आप एग्जाम्पल बनाइए मन में आपको फॉर्मूला ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है और फिर बेस्ड ऑन एग्जाम्पल फॉर्मूला बना दीजिए आप ठीक है तो ये था आपका दोस्तों प्रोजेक्ट्स कैन बी हैविंग अन ईवन कैश फ्लो ऑल्सो अन कैश फ्लो प्रोजेक्ट अगर रहेगा तो केस में क्या करना पड़ेगा फिर तो भैया को तो हर साल का कैश फ्लो अलग अलग निकालना पड़ेगा और उसके बाद आगे बढ़ेंगे फॉर इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है रुपीज फाइव लाख था ना ऊपर फाइव लाख रखेंगे एंड ईयर वाइज कैश फ्लो नीचे लिख रहा हूं मैं पाँच साल का कैश इनफ्लो का पीरियड है सपोज आप मत लिखिए कैश फ्लो के अमाउंट अभी आप एग्जांपल इधर तक ही लिखना है आपको ईयर एंड कैश फ्लो कैश फ्लो के अमाउंट आप नहीं लिखोगे ठीक है तो सपोज फर्स्ट ईयर में आपको मिला थ्री लैख्स सेकेंड ईयर में वन लैख बाद में मिला वन लैख बाद में मिला टू लैक्स फिर मिला फोर बोलिए पॉसिबल है एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें इन्वेस्टमेंट आज था फाइव लाख फर्स्ट ईयर में इनफ्लो आया थ्री लैख्स का सेकेंड ईयर में आया वन लाख का बाद में आया वन लाख का बाद में आया टू लाख और लास्ट में आया फोर लाख इज दिस पॉसिबल क्या ऐसा प्रोजेक्ट रियल लाइफ में हो सकता है यस yes, पॉसिबल है तो ऐसे केस में आपका पे बैक पेड कितना आ रहा है थ्री ईयर्स कैसे आएगा थ्री ईयर्स कोई फार्मूला यूज किया क्या कि आपने

यहां पे सेकंड ईयर में अगर मुझे लेट्स से थ्री लाख मिल रहा है तो थ्री और थ्री हो जाएगा सिक्स लैक्स फिर ये आगे देखने की जरूरत भी नहीं है क्यों नहीं है सर भाई फाइव लाख तो रिकवर हो गए ना तो इसका मतलब वो कब रिकवर हो रहा है बिटवीन वन एंड टू मेरा पांच लाख बिटवीन वन एंड टू आ रहा है यस और नो तो फिर ऐसे केस में आई विल से बीच ऐसा कंक्लूजन नहीं आ सकता मगर क्योंकि दूसरा प्रोजेक्ट भी ऐसा हो सकता है जिसका वन एंड टू के बीच पे बैक है फिर कौन सा सिलेक्ट करोगे आपको निकालना होगा एग्जैक्ट पे बैक पीरियड कितना एग्जैक्ट पे बैक पीरियड निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों ध्यान दो कितने का इन्वेस्टमेंट किया आपने पांच लाख का किया माइनस करो लास्ट ईयर तक कितना रिकवर हो चुका है तीन लाख कितना रिकवरी बाकी है दो लाख का रिकवरी बाकी तीन आया, आया नहीं नेक्स्ट ईयर में कितना आया तीन आप बोलोगे देर फोर पीरियड इज इक्वल टू कितने इयर्स प्लस वन ईयर प्लस वन ईयर प्लस हमको चाहिए टू लैख नेक्स्ट ईयर में मिल रहा है हमको थ्री लैक्स तो अपने को देखना है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ ईयर में आपको अमाउंट रिकवर तो ऑब्वियसली टू डिवाइडेड बाय थ्री करेंगे तो पॉइंट सिक्स एंड आंसर आएगा वन पॉइंट सेवन ईयर्स सिक्स 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 आ रहा है ना वो तो वन पॉइंट सिक्स सेवन बोल सकते हैं आपका पे बैक पेड़ कितना आ रहा है इसको लेने के लिए मैंने क्या किया ध्यान दो मैंने देखा सबसे पहले कौन से दो अमाउंट है जिसके बीच मेरा पैसा रिकवर हो रहा है फिर मैंने देखा कि मैंने पैसा कितना इन्वेस्ट किया लास्ट ईयर तक कितना रिकवर हो चुका है मुझे देखा कि कितना रिकवर करना बाकी है और फिर मैंने क्या किया जितने भी साल हो गए एक ही साल हुआ है वैसे भी उसके बाद हमने ये कैलकुलेशन दिखाया ये कैलकुलेशन में कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को ये हो सकता है थ्री ऊपर आएगा और टू नीचे आएगा या टू ऊपर आएगा और थ्री नीचे बहुत सिंपल है दोस्तों आपको आंसर फ्रैक्शन में निकालना है कभी तो भी छोटा नंबर ऊपर आएगा जितना आपको रिकवर करना है वो डिवाइड बाय जितना पूरे पूरे so 6, आपने जो पांच लाख इन्वेस्ट किए थे वो वन पॉइंट सिक्स सेवन ईयर में वापस रिकवर हो रहे दूसरा इसका एक और प्रोजेक्ट है सपोज ऐसी सेम, दूसरा एक कर देख रहे है कि क्या होने वाला है उसके अंदर आपका टू पॉइंट सिक्स आपका पैसा जितने जल्दी रिकवर होकर आपके पास आएगा उतना आपके लिए अच्छा नो इसीलिए हम कभी भी ट्राई करते कि हमारा पैसा रिकवरी जल्द से जल्द होना सिर्फ एग्जाम्पल देख के लिख रहे आपको ईयर और कैश फ्लो बाकी सब आप खुद सॉल्व करोगे जहां कर भी रुकोगे आप स्क्रीन आपके सामने आपको स्क्रीन की तरफ देख कर छापना नहीं है ये रेगुलर बैच नहीं है बिल्कुल सही है हर्ष जयसवाल ऐसे आंसर दिया करो बेटा अमित बाकी लोग भी आंसर दो जहां जहां पे आपको लगता है कि आपके आंसर आ गए से अच्छा आंसर दो आएगा सॉल्व करने में विदाउट देखे सॉल्व करके लिखा जहां कहीं पर भी अटका देख लिया आपने क्या करना है देखो आप विदाउट देखे जब सॉल्व करते हो तो क्या लिखना है देख के स्क्रीन पर ऐसा लगता है बहुत है। ही है यही करने वाले अपन तो विदाउट देखे ही सॉल्व करना होता है ठीक है चलिए ये था आपका कैश कैश फ्लो फ्लो में इससे हार्ड कुछ नहीं आ सकता पे बैक पीरियड में इवन कैश फ्लो अन इवन कैश फ्लो इवन तो फॉर्मुला बेस्ड बहुत सिंपल है इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड कैश फ्लो इवन कैश फ्लो अगर रहेगा तो आप इससे हार्ड कुछ नहीं अब इस मेथड में दो ड्रॉबैक है एक तो आपने इन कैश फ्लोज को कहीं गिना भी नहीं देखा भी नहीं कुछ भी नहीं चूज ही नहीं किया तो बोलते हैं पोस्ट कैश आर टोटली और दूसरा इंपॉर्टेंट बात आप ये क्या कर रहे हो फर्स्ट ईयर का थ्री लाख सेकंड ईयर का थ्री लाख ऐड कर रहे हो फर्स्ट ईयर का थ्री लाख एंड सेकंड ईयर का थ्री लाख टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाइज सेम नहीं है इनकी वैल्यूज अलग है

इसका मतलब प्रॉब्लम क्या है पे बैक का पे बैक सिर्फ प्रिंसिपल रिकवरी तक ध्यान दे रहा है रिटर्न्स पर ध्यान दे ही नहीं रहा है तो इसकी वजह से दूसरा मेथड आया जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर किया था ना उसकी वजह से एक और मेथड आया जिसको बोलते हैं डिस्काउंटेड पे बैक अब दोस्तों आपको नाम से ही समझ रहा है डिस्काउंटेड पे पीरियड मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर हुआ है अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर हुआ है तो भाई मजा है फिर तो क्या है बढ़िया है हम क्या करेंगे बोलो सेम एग्जांपल यहां पे लिख रहा हूं मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट रुपीज कितना लिखू फाइव और सपोज आपको ऐसे वाइज कैश फ्लो दिए आपको ऐसे वाइज कैश फ्लो दिए आपको दोस्तों क्या करना चाहिए अभी तो इन कैश फ्लोज को आपने डिस्काउंटिंग करना है सपोज डिस्काउंटिंग फैक्टर हमारा टेन परसेंट फिर हम डीसीएफ निकालेंगे व्हाट इज का लॉन्ग फॉर्म डिस्काउंटेड कैश फ्लो और फिर उसको करेंगे क्यूमलेटिव डीसीएफ तो क्यूमिटिव बनाएंगे तो चलिए वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन करो इज इक्वल टू दबाओ पॉइंट नाइन जीरो नाइन इज इक्वल टू सेकेंड ईयर दबाओ पॉइंट एट टू इज इक्वल टू दबाओ पॉइंट सेवन फाइव वन इज इक्वल टू दबाओ पॉइंट सिक्स एट थ्री इज इक्वल टू दबाओ आपके फैक्टर्स है जो जनरली क्वेश्चन में दिए रहते हैं नहीं दिए रहेंगे तो आपको ऐसे ही निकालने जैसे हमने अभी अभी निकाले आगे जाना है। और डीसीएफ कॉलम निकालेंगे कॉलम कैसे आएगा? फ्यूचर वैल्यू इन टू पीवीएफ गिव्स यू प्रेजेंट वैल्यू तो थ्री लैक इन टू पॉइंट नाइन जीरो नाइन कितना में लिख देंगे टू सेवेंटी टू सेवन हंड्रेड सेकेंड ईयर में थ्री लैख एन टू पॉइंट एट टू सिक्स फोर्टी सेवन एट हंड्रेड एड कर लो फाइव लैख फाइव ट्वेंटी फाइव हंड्रेड एवरी वन इसके आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्यों नहीं है सर

तो इसीली ऑब्वियसली हमको लेना पड़ेगा 247800 समझे क्या हम बोलेंगे नेक्स्ट ईयर में मिल रहा है 247800 तो अब ये लिखेंगे 5 लाख इन्वेस्टमेंट किया था लास्ट ईयर तक रिकवरी हो चुका है कितना 272700 गेट टू बी रिकवर्ड कितना है 227 थ्री हंड्रेड गेट टू बी रिकवर होना है अब हम बोलेंगे देर फोर डिस्काउंटेड पे बैक इक्वल टू वन ईयर प्लस टू ट्वेंटी सेवन थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाय टू फोर्टी सेवन क्या है सर ये हमको रिकवर करना था टू ट्वेंटी सेवन थ्री हंड्रेड हमारा नेक्स्ट ईयर में रिकवर हो रहा है टू फोर्टी सेवन एट हंड्रेड ऑलमोस्ट रिकवर होकर थोड़ा एक्स्ट्रा मिल रहा है इसका मतलब पे बैक जो है वो टू ईयर्स के नजदीक जाएगा वन पॉइंट नाइन टू इयर्स वन पॉइंट नाइन टू ईयर्स आपका आंसर आ है 917 मतलब 9 टू इयर्स हो जाएगा ये बिल्कुल सही है मनीषा यादव गुड वन चलिए तो ये आपका डिस्काउंटेड पेबैक पर आ गया 1.92 इसमें और पहले वाले में डिफरेंस क्या था कुछ नहीं हमने कैश फ्लो को डिस्काउंट कर कर वही चीज किया जो नॉर्मल कैश फ्लो के साथ करते थे क्यूम्युलेटिव किया मतलब जो चीज पहले सीएफ और डीसीएफ के साथ होती थी अभी

तो वापस से इसमें भी लॉजिक वही है दो प्रोजेक्ट रहेंगे तो उस प्रोजेक्ट को हम सिलेक्ट करते हैं जिसमें डिस्काउंटेड पे बैक कम है ऑल ऑफ यू एंड इसमें एक और ड्रॉबैक अभी भी बचा है इन कैश फ्लोज को हमने कहीं पर भी यूज किया है तो पोस्ट कैश आर स्टिल तो इसीलिए मेथड थ्री आया मेथड थ्री ने मगर क्या किया पता है आपको पूरे कैश फ्लोज को कंसिडर किया मगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को फिर से छोड़ तो फिर मेथड थ्री का नाम क्या है याद है? रेसिप्रोकल पे बैक पेबैक रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। और याद रखिए इसके आगे पीरियड मत लिखना बिकॉज ये पीरियड नहीं है ये वाला आंसर, वाल आंसर होता है आंसर होता है पे बैक रेसिप्रोकल या रेसिप्रोकल पे बैक रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है उल्टा तो ये पे बैक का उल्टा है दोस्तों पे में आपने एक जगह फॉर्मूला यूज किया पे किया कहावन कैश फ्लो का जो क्या फॉर्मूला था उसको तो तो आपको तीन चेंजेस करने कितने पहला है उससे उल्टा करो चलो लिखते आपका फॉर्मूला बोलिए उल्टा कर कर एनुअल कैश फ्लो लिखिए मत आप मत मतलब। लिख ये आपका पहला चेंज दूसरा चेंज इंटू हंड्रेड करेंगे क्योंकि परसेंटेज चाहिए मैंने बोला था आपको और तीसरा चेंज अगर एनुअल कैश फ्लो सेम नहीं है तो एक वर्ड डाल दीजिए एवरेज एनुअल क्या वर्ड डाल दोगे आप एवरेज एनुअल कैश फ्लो बोलो तीन चेंजेस क्या किए पहला सर उसे उल्टा किया दूसरा उसे इनटू हंड्रेड क्या परसेंटेज के लिए और तीसरा उसमें वर्ड डाल दिया एवरेज एनुअल कैश फ्लो बाय द वे सर एवरेज एनुअल कैश फ्लो कैसे आएगा पूरे कैश फ्लोस का टोटल लो डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स करो सिंपल एवरेज बन जाएगा आपका ये आंसर एक काम करते एग्जांपल सेम एज अबे सेम ही ले लेते एग्जांपल Initial investment is इन्वेस्टमेंट इज इज and annual एंड flows ये सब दे रखे आप बोलिए दोस्तों क्या करोगे सबसे पहले टोटल लो कैश फ्लोस का थर्टीन लैक्स हेल ऑफ यू चेक करो सबका आ रहा है क्या अब हम क्या बोलेंगे देर फोर एवरेज कैश फ्लो इक्वल टू थर्टीन लैक्स डिवाइडेड बाई फाइव ईयर्स आता है टू लैख सिक्सटी थाउजेंड हेल ऑफ यू टू लैख सिक्सटी थाउजेंड आंसर आता है तो अब फॉर्मूला वही यूज होगा देर फोर रेसिप्रोकल पे बैक इज इक्वल टू रेसिप्रोकल पे बैक इज इक्वल टू कितना लू टू लैख सिक्सटी थाउजेंड डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट फाइव लैख लास्ट में इनटू हंड्रेड आपका आंसर आएगा फिफ्टी टू परसेंट एवरीबॉडी व्हाट इज फिफ्टी टू परसेंट का आंसर का मीनिंग निंग एवरेजली फिफ्टी टू परसेंट रिटर्न ऑन योर फाइव लैक इन्वेस्टमेंट बट बट बटा क्या कर रहे हो क्या है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मर्डर फिर से टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर कर दिया इसका मतलब ये रेट ऑफ रिटर्न जरूर दिखा रहा है बट विदाउट कंसिडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी करेक्ट देखिए इंटरप्रिटेशन वहां पर याद नहीं रहता है बाद में इट मीन्स वी आर अर्निंग 52% returns per annum you are earning 52% returns per annum on initial investment of 5 lakh. on initial investment of 5 lakhs but without considering m उट कंसिडरिंग टी वी एम टाइम वैल्यू ऑफ मनी विदाउट विदाउटरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी डन गाइस एकदम क्लियर कोई दिक्कत तो नहीं है चलो पे बैक था ये उल्टा था इसलिए इसका नाम है रेसी प्रोकल पे बैक क्या नाम है इसका रेसी प्रोकल पे बैक तो तो ये सब तो बेसिक बेसिक मेथड थे एग्जाम में आजकल पूछते हैं इसलिए एकदम अच्छे से रिवाइज करा दिया मैंने आपको और वैसे भी अगले मेथड्स के ऊपर जाने के पहले पहला बेस अगर क्लियर रहेगा तो और अगले मेथड और अच्छे से तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो अंदर तीन मेथड आएंगे तीनों भी इंपॉर्टेंट है पहला मेथड आता है एनपीवी क्या लॉन्ग फॉर्म है नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी का लॉन्ग फॉर्म है नेट प्रेजेंट वैल्यू जैसा नाम वैसा फॉर्मूला दोस्तों इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकालो नेट कर दो तो फॉर्मूला क्या होगा एनपीवी एनपीवीक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कैसे करते इसको सॉल्व एग्जाम्पल सेम आगे बढ़ेंगे कहा से शुरू करोगे आप जीरो और जीरो के वहां पर क्या आएगा दोस्तों आउटफ्लो ऑफ फाइव लैख आएगा ठीक है और जीरो ईयर का फैक्टर क्या लेंगे वन जीरो को ईयर ही होता नहीं एक्चुअली जीरो अभी का टाइम होता है आज का वन रुपी आज का वन रुपी इसलिए वन और इसलिए यहां का आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू भी फाइव लैख ही आएगा बाकी का कैलकुलेशन भी कर लो फाइव वन ये वन थर्टी सिक्स हंड्रेड आता है लास्ट में फोर्टी एट नाइन लैख क्या एटी थाउजेंड क्या है वो टोटल ऑफ इनफ्लो है क्या यहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन नाइन लैख एटी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड है जबकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो फाइव लैख है तो ऑब्वियस सी बात है इनफ्लो का टोटल माइनस आउटफ्लो विल गिव यू फाइनल एनपीवी एनपीवी कम्स टू फोर लैख एटी थाउजेंड 600 पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव एनपीवी तो एनपीवी जब पॉजिटिव होता है इसका मीनिंग प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए लॉजिक क्या है समझो मगर सिर्फ एनपीवी पॉजिटिव प्रोजेक्ट एक्सेप्ट ऐसा मत याद रखो हमने इन्वेस्टमेंट किया था 5 लाख हमको रिटर्न्स चाहिए थे 10% के तो हमारा 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर है हमारे 10% के डिस्काउंटिंग के बाद में जो कैश इनफ्लो आ रहा है उसको आउटफ्लो में से माइनस करने के बावजूद भी पॉजिटिव इनफ्लो आ रहा है पॉजिटिव इनफ्लो बचा हुआ है इसका मतलब यू आर गेटिंग रिटर्न मोर देन टेन परसेंट पहला इंटरप्रिटेशन क्लियर है यू आर गेटिंग रिटर्न मोर देन टेन परसेंट बिकॉज टेन परसेंट से डिस्काउंटिंग करने के बावजूद भी आंसर और बच रहा है इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करके आंसर और बच रहा है इसका मतलब ही वो पॉजिटिव आंसर बच रहा है मतलब ये प्रोजेक्ट हमको 10 परसेंट से ज्यादा का रिटर्न दे रहा है आपका रिक्वायर्ड रेट 10 परसेंट ही था तभी तो आपने डिस्काउंटिंग फैक्टर 10 लिया ये 10 परसेंट क्या होता है मानो मैं आपको इसको तो बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसको आप क्यों बोलते हो सर क्यों सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों है सर वो बिकॉज मेरे कंपनी में आने वाला पैसा जिस कॉस्ट से आ रहा है मैं उससे ज्यादा रिटर्न कमाना चाहूंगा ना तो वो मेरा मिनिमम रिक्वायर्ड रेट बन जाएगा मेरा क्यों, मेरा क्यों मिनिमम रिक्वायर्ड रेट बन जाता है दोस्तों तो इसीलिए मिनिमम मिनिमम से minimum मुझे चाहिए था दस परसेंट और बावजूद इसके दस परसेंट के फैक्टर्स कर वो को इनफ्लो को डिस्काउंट कर भी मेरे पास और फिगर बच ही रहा है पॉजिटिव इसका तो मतलब तो चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरा रिटर्न दस परसेंट से ज्यादा है एक्सेप्ट कर लो दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि आज पांच लाख इन्वेस्ट कर, कर आज मुझे एक्स्ट्रा कैश इनफ्लो बच रहा है का इसलिए मैंने प्रोजेक्ट किया आज पांच लाख इन्वेस्ट कर, कर आज नाइन एटी सिक्स हंड्रेड मिल रहा है आज थोड़ा वो तो तेरह लाख मिल रहा है भाई उसकी आज की वैल्यू

समझ गए दो प्रोजेक्ट है सपोज एक का एनपीवी आ रहा है दूसरे का एनपीवी टू लाख नाइन्टी था क्योंकि इसका एनपीवी ज्यादा ज्यादा पॉजिटिव है तो आज की घड़ी में मेरे पास इनफ्लो मिला हुआ मेरे लिए अच्छा है ना तो ये एनपीवी का इंटरप्रिटेशन था कहा बोलोगे भाई सिंगल प्रोजेक्ट है पॉजिटिव एनपीवी है एक्सेप्ट कर लो दो प्रोजेक्ट है जिसका एनपीवी हाइयर पॉजिटिव है एक्सेप्ट कर अब आते हैं मेथड टू पर बी मेथड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पी आई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड पी आई मेथड पी आई मेथड का एक और नाम है याद है क्या डिजायरेबिलिटी फैक्टर मेथड देखो डिजायरेबिलिटी फैक्टर मेथड अब यहां पर एग्जाम्पल सेम एज अब लिख दो ऊपर एग्जाम्पल के आगे लिख दो सेम एज अबाउ वहां पर एनपीवी का ही डेटा यूज होता है वैसे भी सेम एज अबाउ और पी का फॉर्मूला क्या है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन तो so, वहां था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो यहां पर माइनस की जगह डिवाइडेड बाय तो चलो देखते हैं आंसर निकाल के क्या आएगा बोलिए मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कितना है आपका डिवाइडेड बाय आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू तो फाइव लाख ही है, की है? तो आपका आंसर वन पॉइंट नाइन सिक्स टाइम्स आ रहा है एवरीवन वन पॉइंट नाइन सिक्स टाइम्स का आंसर आ रहा है पी का इसका मतलब होता है जितना तुमने इन्वेस्टमेंट किया था उससे वन पॉइंट नाइन सिक्स का प्रेजेंट वैल्यू तुम्हें मिल रहा है फॉर एवरी वन रुपी इन्वेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट यू आर गेटिंग वन रुप नाइनटी सिक्स पैसे इन टूडेज वैल्यू इन टूडेज वैल्यू नॉट फॉर फाइव इयर्स 5 इयर्स का आज का वैल्यू हर एक रुपया इन्वेस्टमेंट करने से आज की घड़ी में अपने को वन रुपी नाइनटी मिल रहा है इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे यस yes. जहां पर भी पी ग्रेटर देन वन रहेगा पी लेस देन वन रहेगा सब्जेक्ट मार समझ गए और एक फॉर्मूला है दोस्तों इसको देखो अच्छे से बताओ मुझे फॉर्मूला क्या बनना चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो नाइन लाख एटी थाउजेंड नाइन नाइन एटी सिक्स हंड्रेड सॉरी इसका आंसर निकालने का दूसरा तरीका क्या है देखो पूरे इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू में से पांच लाख माइनस करके आपका एनपीवी आया है कितना फोर एटी सिक्स हंड्रेड पूरे इनफ्लो की टोटल लिया माइनस आउटफ्लो किया तो आपका आंसर आया प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी तो कैन वी से एनपीवी में अपन इन्वेस्टमेंट ऐड कर देंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी अगर ये वैल्यू में से इन्वेस्टमेंट लेस करेंगे तो एनपीवी आ रहा है तो एनपीवी में वो वैल्यू ऐड कर देंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आना चाहिए तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा न्यू एनपीवी प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन बाई लैक क्या है इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही तो है डायरेक्टली यहां पर लिख देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज नथिंग बट इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो आप बताएंगे क्या आंसर आएगा आपका कैंसिल कर नहीं ना प्लस साइन है भाई है ना प्लस साइन ऐसा कैंसिल नहीं होता है आपका यही फॉर्मूला बनता है फाइनल आंसर अब इससे हम एनपीवी भी निकाल सकते हैं इससे हम एनपीवी भी निकाल सकते हैं मैथमेटिकली इसको मॉडिफाई कर लो पी आई इज इक्वल टू NPV डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय इनिशियल लिख सकते हैं अपन दोनों का कॉमन डिनोमीटर तो वही है ना तो स्प्लिट करके लिख दिया मैंने दो बार अब कैन वी राइट इसकी जगह वन पी आई इज इक्वल टू क्या बनेगा एन पी प्लस डिवाइड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस वन बन जाएगा देर फोर एन पी वी इज इक्वल टू क्या होगा पी आई माइनस वन इंटू इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमें एनपीवी का फॉर्मूला बन रहा है पी आई माइनस वन इंटू इनिशियल इन्वेस्टमेंट राइट कोई दिक्कत है कोई डाउट है नाउ सी आपने ऊपर क्या बोला था ये 1.96 का इंटरप्रिटेशन एक बार फिर से बताओ ये आज अगर एक रुपया इन्वेस्ट करेंगे ऐसा नहीं हर एक रुपया इन्वेस्ट करेंगे हर एक रुपया जो आज इन्वेस्ट हो रहा है उसके सामने आज के वैल्यू में वन रुपी नाइनटी आ रहा है एक सब लोग बोलेंगे हर एक रुपया जो आज इन्वेस्ट किया उसके सामने आज के वैल्यू में वन आया ऐसी टाइप करो तो आपका इन्वेस्टमेंट माइनस हर एक रुपए के सामने ये एक्स्ट्रा आया हर एक रुपए के सामने ये एक्स्ट्रा आया टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था मल्टीप्लाई कर दो तो एनपीवी आया ना तो क्या आया एनपीवी आया कि नहीं आया यस yes. कैसे निकाला सर वो एक्चुअली वन पॉइंट नाइन सिक्स राउंड ऑफ किया ना तुम अगर उसको प्रॉपर लोगे नाइन एटी सिक्स हंड्रेड डिवाइड बाई फाइव लैख नाइन सिक्स माइनस वन करो अब ये एक्स्ट्रा आया एक रुपए के लिए इन टू फाइव लैख करो ये टोटल एक्स्ट्रा आया टोटल एक्स्ट्रा और कुछ नहीं एनपीवी आया क्योंकि एनपीवी क्या दिखाता है पूरा इन्वेस्टमेंट करोगे तो टोटल एक्स्ट्रा कितना आएगा पी क्या बताता है हर एक रुपए के सामने टोटल कितना आएगा एक्स्ट्रा नहीं टोटल कितना आएगा

पी आई ग्रेटर देन वन रहेगा एक्सेप्ट कर लो लेस देन वन रहेगा रिजेक्ट कर दो. दो प्रोजेक्ट रहेंगे तो जिसका पी आई ज्यादा रहेगा उसे एक्सेप्ट कर लेंगे बराबर है कि नहीं लास्टली नाउ कमिंग टू द थर्ड मेथड योर फेवरेट आई आर आर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एर आर एक और नाम है कभी तो एक और नाम है कैसा यस yes, इसको बोलते है टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड एग्जाम्पल दस आप लिखना मत लिखना मत आप ध्यान दो इन्वेस्टमेंट कितना किया पांच लाख किया सर दस परसेंट से एनपीवी कितना आया लगभग पांच लाख पॉजिटिव आया जितना इन्वेस्टमेंट किया लगभग उतना पॉजिटिव आया है तो आपका अच्छा पहले आई आर आर का मीनिंग समझ लो आई का मीनिंग क्या होता है ताकि फिर बाद में अपन आंसर डिस्कस कर सकते हैं आर बोलता है कि ये जो पांच लाख तुम इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा कंसिडरिंग टाइम वैल्यू नॉट इग्नोरिंग कंसिडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी उस पांच लाख पे आप कितना रेट ऑफ रिटर्न कमा रहे हो कंसिडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी उसको आप बुलाते हो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न गेटिंग ऑन ठीक है दस परसेंट से हमारा पॉजिटिव आया अगर निगेटिव आता तो आप क्या बोलते प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दो क्योंकि जितना हमारा रेट ऑफ रिटर्न चाहिए था उससे कम रिटर्न दे रहा है बोलते थे ना ओके 10% पर ये पॉजिटिव है सपोज 30% पर ये नेगेटिव आता है 30% पर ये नेगेटिव आता है तो so, इसका मतलब क्या हुआ ये प्रोजेक्ट हमको 10% से ज्यादा रिटर्न दे रहा है बट 30% से कम दे रहा है एक्चुअली ज्यादा दे रहा है उसको एरर बोलते सपोज 25% पर जीरो आ रहा है 25% पर जीरो आ रहा है इसका मतलब ये प्रोजेक्ट हमें 25% परसेंट का रिटर्न दे रहा है विच इज नगर आप आई आर आर रेट पे डिस्काउंटिंग करोगे प्रोजेक्ट को तो नीचे एनपीवी जीरो आता है सपोज एक प्रोजेक्ट है, परसेंट रिटर्न दे रहा है यही वाला सपोज दो मिनट के लिए तो आप सोचिए कि उस प्रोजेक्ट को आप 25% परसेंट से डिस्काउंट करोगे तो कहां से कुछ पॉजिटिव बचेगा फिर अच्छा निगेटिव भी नहीं आएगा कुछ क्यों निगेटिव नहीं आएगा सर क्योंकि पच्चीस से कम रिटर्न नहीं दे रहा है वो अच्छा पॉजिटिव क्यों नहीं आएगा पच्चीस से ज्यादा रिटर्न नहीं दे रहा है एग्जैक्ट रिटर्न पच्चीस दे रहा है तुम भी डिस्काउंटिंग पच्चीस से कर रहे हो तो ऑब्वियसली नीचे एनपीवी जीरो ही आने वाला है एट आई आर आर रेट ऑफ डिस्काउंटिंग एनपीवी इज ऑलवेज जीरो काम करते हैं। इस एग्जाम्पल को लिखने के पहले दो लाइन का एक्सप्लेनेशन लिख IRR The actual rate of return given by the project considering considering what considering time value of money considering time value of money irr is the actual rate of return given by the project considering time value of money. if project cash flows are discounted

व्हाट द फॉर्मूला एनपीवी प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट एनपीवी जीरो आ गया ना तो बचा क्या बन आएगा समझे कि नहीं तो एट आयर आर रेट ऑफ डिस्काउंटिंग ऑलवेज रिमेंबर एनपीवी जीरो लॉजिक को मैं यूज करो कि एनपीवी बाई जीरो है, तो एक काम करते हैं इस प्रोजेक्ट के कैश फ्लो को जीरो एनपीवी तक लाने की कोशिश ऑब्वियसली इंक्रीजिंग द डिस्काउंटिंग फैक्टर क्योंकि जितना डिस्काउंटिंग फैक्टर बड़ा हो गया उतना एनपीवी कम होगा क्योंकि उतना रिक्वायर्ड रेट बढ़ेगा ना तो उसका एक्स्ट्रा कैश फ्लो कम कम होते जाएगा तो दो मिनट के लिए सोचते हैं अगला रेट क्या बारह तेरह लेना चाहिए नहीं भाई दस परसेंट पे एनपीवी लगभग पांच लाख है जितना इन्वेस्टमेंट किया उतना एनपीवी है तो अगला रेट तुमने लेना चाहिए मे बी थर्टी थर्टी या फोर्टी एक काम करते लेते थोड़ा ज्यादा हो जाएगा बट फिर भी लेते ठीक है देखते क्या बिलीव मी आई डोंट नो द आंसर मैं तुम्हारे सामने एग्जाम्पल बना रहा हूं आप लिखो मत आप बस कैलकुलेट करो कितना लेना आपने को थर्टी फाइव डीसीएफ नंबर्स मत बोलो मुझे डायरेक्ट फाइनल आंसर बताओ अभी एनपीवी का आप मल्टीप्लाई फैक्टर निकालो चलो फैक्टर बता दो पहले वन डिवाइड बाय वन पॉइंट थ्री फाइव इज इक्वल टू पॉइंट सेवन फोर वन सेकेंड ईयर के लिए इज इक्वल टू पॉइंट फाइव फोर नाइन थर्ड ईयर के लिए पॉइंट फोर जीरो सिक्स नेक्स्ट ईयर के लिए थ्री जीरो वन नेक्स्ट ईयर के लिए टू अब करो निकालो एनपीवी देखो मल्टीप्लाई करो कैश फ्लो लास्ट में दबा के माइनस कैश फ्लो को फैक्टर से मल्टीप्लाई करो एम प्लस दबाओ कैश फ्लो को फैक्टर से मल्टीप्लाई करो एम प्लस दबाओ चलने दो पांच साल के लिए माइनस फाइव लाख कर दो आंसर आज एम आर दबाओ माइनस फाइव लाख करो पॉजिटिव सेवेंटी सेवन थाउजेंड पॉजिटिव आ रहा है तो एक काम करते अभी एन आई सही है कोई काम करनी है एन आई सही है कोई काम करनी है भाई चल दो इसको डायरेक्ट ठीक है अब अगला रेट लेते चालीस मेरे ख्याल से उस पर भी पॉजिटिव आ सकता है बट ठीक है चालीस लेके देखते फाइव लैक आएगा फैक्टर बताओ वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट फोर इज इक्वल टू पॉइंट सेवन वन फोर नेक्स्ट टाइम इज इक्वल टू फाइव वन जीरो नेक्स्ट थ्री सिक्स फोर नेक्स्ट सिक्स जीरो नेक्स्ट 0.18 और बस पॉजिटिव है है राउंड फिगर पॉजिटिव आ रहा है भैया तो ये कोई काम कट करते डायरेक्ट इधर लेते फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव पे आपको लगता है कि पॉजिटिव आ सकता है सेवेंटी सेवन से थर्टी पे आया है फोर्टी सेवन से कम हुआ ना मुझे नहीं लगता कि इस ज़्यादा एगा बोलो ट्राई करके देखते वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट फोर फाइव इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स नाइन जीरो फोर सेवन सिक्स थ्री टू एट टू टू सिक्स फाइव भाई प्लीज थोड़ा सा पॉजिटिव मत जाना पंद्रह आठ सौ थाउजेंड थाउजेंड एट हंड्रेड निगेटिव आ रहा है नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड निगेटिव एनपीवी आ रहा है तो इसका मतलब आयर आर ऐसे ही होता है ट्रायल एरर ट्रायल एरर से आयर आर निकलता है दोस्तों एक तरकीब है जिससे आयर आर थोड़ा जल्दी आ सकता है अगर आपके पास इवन कैश फ्लो वाला प्रोजेक्ट है तो इवन कैश फ्लो के पे बैक निकालो पहले इवन कैश फ्लो का पहले पे बैक निकालो और उससे जो आंसर आ रहा है वो आपके कैल्सी पर फैक्टर आना चाहिए समझाता हूं पहले ये समझ लेते ठीक है पहले ये समझ लेते हैं एक काम करते हैं अब ऐसे ट्रायल एरर को बोलते हैं इंटरपोलेशन क्या बोलते हैं इंटरपोलेशन विच इज कॉल्ड एस ट्रायल एंड एरर अब इसमें ये आपका स्टार्ट रेट बन गया ओरिजिनली आपने तो स्टार्ट दस से किया था फिर पैंतीस पर गए फिर चालीस पर आए फिर भी आपका स्टार्ट रेट यही रहेगा चालीस इसका मतलब पहले के रेट पूरे इरेलीवेंट थे क्योंकि आपका तीस हजार पॉजिटिव और नाइन थाउजेंड एट हंड्रेडेटिव इसके बीच जीरो छुपा है ठीक है तो ये हमारा स्टार्ट रेट बन गया 45 हमारा एंड रेट बन गया स्टार्ट रेट पर जो पॉजिटिव एनपीवी आता है उसको सरप्लस बुलाते हैं क्या बुलाते बुलाते हैं हैं सरप्लस और इस पे इसको डेफिसिट निगेटिव एनपीवी ठीक है नेगेटिव एनपीवी को बुलाते हैं डेफिसिट अब मेरा डायरेक्ट आयर का फॉर्मुला बताता हूं मैं लॉजिक करने जितना टाइम नहीं है अपने पास रेगुलर में एक्सप्लेन किया था मैंने आर आर इज इक्वल टू इज़ कार्ड रेट प्लस सरप्लस डिवाइडेड बाय सरप्लस प्लस डेफिसिट प्लस नहीं बोलने का एक्चुअली माइनस बोलने का सरप्लस माइनस डेफिसिट वो बाय डिफॉल्ट प्लस ही होने वाला है बिकॉज माइनस माइनस बिकम्स प्लस बट लिखते वक्त माइनस लिखो

will be 40 plus 30, divided by 39, into 5. का रा रा था। सर इतना लोचा करने से अच्छा एक काम करते थे दस परसेंट अपना वैसे भी पॉजिटिव एनपीवी था डायरेक्ट पचास परसेंट नेगेटिव ही आने वाला रहता था

क्योंकि तुम इंडिया भर में सब लोग फाइव परसेंट का गैप लेने वाले हो क्या okay? पूरा इंडिया थोड़ा तो ना मुझसे पढ़ रहा है ऑब्वियसली कोई बोलेगा हाँ हाँ दस परसेंट का गैप भी ठीक है किसी को पता ही नहीं रहेगा कि जितना गैप बड़ा है उतना आंसर अप्रोक्स आता है वो टीचर तो बोलेगा ठीक है दस और पचास चलने दो तो, मैं भी लेता तो, हूँ आप भी लो तो भाई इसका मतलब बहुत सिंपल है इंडिया भर में हर स्टूडेंट का आंसर क्या होगा अलग अलग आएगा तब तो उसको बहुत ही पर्टिकुलर टीचर रहेगा बोलेगा नहीं नहीं यू हैव टू रिड्यूस द थ्री फोर्टी फोर

जो स्टार्ट रेट एंड रेट सबका सेम रहेगा तभी सबका आंसर सेम आएगा तो ऑब्वियसली उसने स्टार्ट रेट एंडेड क्वेश्चन पेपर में देना ही चाहिए तो नथिंग टू वरी आपको दिया रहेगा ठीक है तो उस बेसिस पर आपको आयर आर निकालना होता है आपका आयर आर ये आ रहा है ये आयर आर आ रहा है सर ठीक है निकाल लिया ठीक है ये होता क्या है सर ये रेट ऑफ रिटर्न ये प्रोजेक्ट दे रहा है अगर तुम ये रेट ऑफ रिटर्न पे डिस्काउंटिंग करोगे तो आपका एनपीवी जीरो आएगा थे

वो पूरा डिस्कस किया था अपन ने लॉजिक बाद ये आंसर आया था अपना और आंसर आने के बाद अपन ने फॉर्मूला बनाया था याद होगा okay? तो ओके तो आर का ये फॉर्मूला है आपको आपको वैसे भी लॉजिक से से सॉल्व सॉल्व नहीं करना आपको से ही करना है है ही क्योंकि पेपर चेकर को लॉजिक पता नहीं रह सकता है बेटर रहेगा फॉर्मूला लिखो तो फॉर्मूला ये है स्टार्ट रेट प्लस सरप्लस अपॉन सरप्लस माइनस डेफिसिट इन डिफरेंस इन रेट तो इससे आपका आर आएगा इस केस में आयर आर आ रहा है आपका परसेंट। uh, अगर एक प्रोजेक्ट का परसेंट तो सपोज यही प्रोजेक्ट है एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर रिटर्न कितना होना चाहिए दोस्तों आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होना चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दस परसेंट तो आपका रेट ऑफ रिटर्न है फोर्टी थ्री परसेंट गुड और बैड आपका पैसा आ रहा है दस परसेंट से आप लगा रहे हो उसे बिजनेस प्रोजेक्ट में फोर्टी थ्री पॉइंट सेवन सेवन परसेंट से और क्या चाहिए मतलब उस रेट के नीचे रिजेक्ट कर देंगे उस रेट के ऊपर एक्सेप्ट कर समझे सिंगल प्रोजेक्ट रहेगा एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट इफ आयर आर इज ग्रेटर कट ऑफ रेट एंड ऑब्वियसली बिटवीन टू प्रोजेक्ट्स किसको सिलेक्ट करेंगे का आर ज्यादा है उसको का आर ज्यादा है उसको तो इस लॉजिक से दोस्तों आर आर निकलता डाउट दूर तक पूरा अच्छे से क्लियर हुआ है चलो अभी ये मैं मन ही नहीं मान रहा है इस फॉर्मूले का लॉजिक बता देता हूँ मैं कि ऐसा पढ़ाने की आदत ही नहीं है हाँ फॉर्मूला देखो हाँ चलो आगे तो दोस्तों देखिए आपने स्टार्ट रेट लिया था फोर्टी पर आपका एन आया थर्टी अगला रेट लिया आपने फोर्टी फाइव उस पर आपका आंसर आया नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड निगेटिव रेट कितने से बदला पांच से एनपीवी कितने से बदला थर्टी नाइन थाउजेंडेटिव है वो माइनस माइनस बिकम्स प्लस हमको एक्चुअली इस थर्टी को निगेटिव एट थाउजेंड नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड पे नहीं ले जाना था हमें इस थर्टी थाउजेंड को एक्चुअली इसके ऊपर ले जाना था बराबर बोल रहे हो क्या मैं हम उसे ज़ीरो बनाना चाहते थे तो एक्चुअली हमें डिफरेंस चाहिए था थर्टी थाउजेंड का डू यू अग्री बट डिफरेंस आया कितना थर्टी नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड बोलेंगे कोई बात नहीं थर्टी नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड का डिफरेंस के लिए रेट चेंज कितना हुआ फाइव परसेंट थर्टी थाउजेंड के लिए रेट है। तो फिर आई आर आर इज इक्वल टू अपन बोलते स्टार्ट रेट प्लस चेंज इन रेट स्टार्ट रेट कितना लेंगे फोर्टी परसेंट चेंज इन रेट कितना लेंगे थर्टी थाउजेंड इन फाइव डिवाइडेड बाय थर्टी नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड एवरी वन है आंसर? आंसर ऑल ऑफ यू. आया. इनफैक्ट ये वही कर रहे वॉट इज फोर्टी रेट वट इज थर्टी थाउजेंड सर प्लस अपॉन वॉट इज थर्टी नाइन एट हंड्रेड सर प्लस माइनस डेफिसिट. वॉट इज फाइव परसेंट डिफरेंस तो इससे आयरार आता है इस फॉर्मूले के लॉजिक ये उसका लॉजिक बट सर हम एग्जाम में फिर ये ज़्यादा सिंपल लग रहा है सर यही कर लेते मत करो क्योंकि वो बेचारा ढूंढता है ये फार्मूला पता तुम क्या कर रहे हो तो बोलता है मॉडल आंसर में मेरे को ये दिख रहा है तो यही देखूंगा वो दिख नहीं रहा है तो मार्क्स कट करता है वो बेटर रहेगा कि आप लॉजिक से सॉल्व करना चाहे तो कर लो कोई बात नहीं सिर्फ एक काम करो

तो ये दोस्तों आपके सभी मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग थे बराबर अपना टारगेट आज का यही था कि सभी मेथड्स डिस्कस करेंगे और हमारा कैपिटल बजटिंग दो दिन का डिस्कशन तो कल जो है हम पूरेप्टवर करेंगे सी एफ एटी कैलकुलेशन वी एफ ए टी कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं ना फाइव लैख थ्री लैख थ्री लैख वन लैख टू लैख फोर लैख आता कैसे भाई ये डायरेक्टली रेडीमेड तो ना दिया रहेगा आपको ऐसे या तो बढ़िया ही है आपके पिछले शून्य है बट अगर ये नहीं दिया रेडीमेड तो ऑब्वियसली आपको निकालना होता है एग्जाम में जिसको बोलते हैं कैश फ्लो आफ्टर टैक्स इसको हम तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके निकालते हैं वो जो फाइल है के उसको बोलते हैं इनिशियल कैश फ्लो वो जो वन टू तो थ्री फोर फाइव के कैश फ्लो है उसको बोलते हैं इंटरिम कैश फ्लो और कभी कभी प्रोजेक्ट एंड होने के बाद स्क्रैप वैल्यू मिलता है आपको टर्मिनल वैल्यू बोलते हैं वो फिफ्थ ईयर में फिफ्थ ईयर में ही आएगा मेरे एग्जाम्पल में समझे कैश फ्लोस को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं तीन पहला इनिशियल दूसरा इंटरिम, तीसरा टर्मिनल तो कैसे ये कैश फ्लोस निकलेंगे उसको बोलते हैं सीएफएटी कैलकुलेशन वो मैं आपको कल में ही दिखाऊंगा कल मैं आपको इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स दिखाऊंगा कल मैं आपको रिप्लेसमेंट समझाऊंगा कल मैं आपको मॉडिफाइड आरआर सिखाऊंगा कल मॉडिफाइड एनपीवी बताऊंगा और एक्सीलेंट पॉइंट्स बताऊंगा कल के टारगेट आपके आठ टारगेट है कल का सेशन आपका एग्जैक्ट यू कैन से टेन मिनट्स एक्स्ट्रा छह बज के दस मिनट में करेंगे और ऑब्वियसली स्टार्ट सेम ठीक है आप सबको एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको पढ़े थे अपन ने सबसे पहला पार्ट अपन ने पढ़ा था हाँ वो आपको बता देता हूँ अभी बता दो ठीक है सबसे पहले पे बैक पीरियड दो टाइप के उसमें आपके क्वेश्चन आ सकते एक ईवन कैश फ्लो एक अन ईवन ईवन कैश फ्लो का फॉर्मूला इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो अनइवन रहेगा तो सीधा सीधा ईयर कैश फ्लो एंड सी एफ क्यूमलेटिव कैश फ्लो ठीक है फिर ढूंढते हम कहा अपना पे बैक है और आंसर आता है डिस्काउंटेड पे बैक में कुछ नहीं करते इसी कैश फ्लो को डिस्काउंट कर डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकलते और उसको क्यूमलेटिव करते हैं और बाकी पूरा आंसर का तरीका वही है जो पे बैक में था तीसरा मेथड आता है रेसिप्रोकल पे बैक अपने इवन कैश फ्लो वाले फॉर्मूले में तीन चेंज पहला चेंज उसे रेसिप्रोकल करो बोलो फॉर्मुला क्या बना

अगर एक ही प्रोजेक्ट रहेगा तो उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करोगे जिसमें आई ऑफ रेट है कट ऑफ रेट नॉर्मली होता है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कभी कभी क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल दस रह सकता है कट ऑफ रेट बारह रह सकता है ऑब्वियसली जो कट ऑफ रेट वो दे रहे वो उसी को एक्सेप्ट करना उसी को लेना पड़ेगा आपको हो सकता है ना मेरे कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल दस है मगर मुझे बारह परसेंट के ऊपर के ही प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है तो मैं आपको क्वेश्चन में दे रहा हूँ बारह परसेंट कट ऑफ रेट आप उस कट ऑफ रेट के साथ कंपेयर करोगे आपके आई को अंडरस्टूड रिमेंबर वन मोर थिंग जब जब फैक्टर क्वेश्चन में दिए रहेंगे तब तब फैक्टर वही लेंगे आप जो क्वेश्चन में दिए प्लीज कैलकुलेट मत करना डिफरेंसेस आएंगे मार्क्स कट हो सकते अगर फैक्टर नहीं दिया रहेगा तो तीन डेसिमल फैक्टर चार लिया तो बेस्ट ही बट तीन ज्यादा अच्छा रहेगा आपका टाइम कम कंज्यूम होगा और वो एक्सेप्टेबल रहता है कोई प्रॉब्लम नहीं अब दो मिनट के लिए सोचते हैं पेबैक पीरियड इवन कैश फ्लो का इसका आंसर टू इयर्स आया बराबर तो मैं क्या बोल रहा था आपको कि अगर सपोज मुझे इसका ही पेबैक पीरियड निकालना है सॉरी तो आरआर इसका ही मुझे आरआर निकालना है तो मैं क्या करूंगा मैंने मैं आपको इसका लाइफ कितना था चार साल था इन्वेस्टमेंट कितना था 250000 बराबर है पांच स्टोरी पांच इन्वेस्टमेंट था एवरी ईयर 250000 था ठीक है तो मैं देखूंगा कि भाई इस प्रोजेक्ट में मेरा पे बैक दो ईयर आ रहा है तो दो पे बैक है तो कैलसी पर डिवाइडेड बाय समथिंग लेंगे अपन इज इज इक्वल इक्वल टू टू चार बार करने के बाद जीटी दबाएंगे जिससे आंसर मेरा टू आना चाहिए कैलसी लो वन डिवाइडेड बाय पॉइंट वन करो इक्वल टू चार बार दबाओ जीटी दबाओ कितना है थ्री पॉइंट वन सेवन आ रहा है तो इसका मतलब टेन तो है नहीं डायरेक्ट जाओ ट्वेंटी फाइव पर 1 1 .25, to, 4 बार जीटी दबाओ, और आगे जाओ वन पॉइंट थ्री फाइव रहा है इसका मतलब समझा क्या कि, कितने पे आया वो वन डिवाइडेड बाई वन पॉइंट थ्री फाइव क्या 35 ना इसका मतलब ये प्रोजेक्ट का एरर 35 एरर कितना हुआ 35 ये तो बराबर कोइंसिडेंस था कि दो आ गया और 35 आ गया कभी-कभी दो के जगह 1.92 आता है एक जगह 2.18 आता है तो अपने को बिटवीन दिस टू वापस निकालना पड़ता है तो जहां पर पेबैक पीरियड निकल रहा है इवन कैश फ्लो से इवन कैश फ्लो वाले प्रोजेक्ट में आप इस तरीके से भी एरर निकाल सकते हैं इंटरपोलेशन में कभी कभी आपको लगता है ना स्टार्ट रेट एंड रेट क्या लेना चाहिए तो सपोज दो मिनट के लिए सोचते हैं अपना टू एग्जैक्ट नहीं आया सपोज अपने में 2.18 आया सपोज 32 पे एंड टू वन पॉइंट नाइन टू आ रहा है सपोज 27 परसेंट पर एग्जांपल है समझा क्या तो अपना स्टार्ट रेट बन गया

आई होप हम लोग कल भी फिर से मिलेंगे और मजेदार सेशन रहेगा बट ऑब्वियसली कल का सेशन आज के सेशन पर डिपेंडेंट रहेगा ठीक है जितना भी ये बेसिक बेसिक था इसके बेसिस पर आप क्वेश्चन ट्राई करना स्टार्ट कीजिए मैं सी एफ एटी और बाकी लॉजिक्स कल क्लियर करा दूंगा आपको बाय टेक केयर सी यू